नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार हरियाणा में मिलीजुली सरकार बनी है, जहां पर जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार हरियाणा में है, जहां पर इस बार सीएम और डिप्टी सीएम की भूमिका बेहद निर्णायक मानी जा रही है हरियाणा के इस सरकार के अंदर। मगर इस बार इस चुनाव में बहुत कुछ ऐतिहासिक भी हुआ है। एक तरफ वो है वही चौटाला हरियाणा का, पूरे देश का एक ऐसा गांव बना है जिसने इस बार 5 विधायक एक ही दिन में विधानसभा में भेजने का काम किया है। तो उधर दूसरी तरफ ताऊ देवीलाल के परिवार में आखिर लंबे अंतराल के बाद, यानी कि 15 सालों के बाद वापस चौधर लौटी है इनेलो परिवार के अंदर। और डिप्टी सीएम का पद है इस बार वो दुष्यंत चौटाला को इस गठबंधन की सरकार में मिला है। तमाम बातचीत करेंगे हम इस करंट इश्यू के ऊपर कि आखिर इस बार गठबंधन की सरकार, मिलीजुली सरकार कैसी रहेगी, किन मुद्दों को लेकर इस बार हरियाणा में काम होगा, क्या डेवलपमेंट के मुद्दे वाकई में इस बार हावी रहने वाले हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि क्या INLD का गढ़ वही सिरसा जहाँ से इस बार डबवाली से 5 विधायक डबवाली ने विधानसभा में भेजे हैं, तो क्या इस बार सिरसा भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर सबसे ऊपर रहेगा। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ डबवाली से इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं रवि सिंह चौटाला, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा, इस बार गठबंधन की सरकार बनी है, आपकी नज़र में इस सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो दिया बीजेपी के खिलाफ। ये लोग पिछेत्र पार की बात कर रहे थे, इनको 40 पे सबमिट दिया और अपोजिशन में बिखराव था। अगर थोड़ा मिलके लड़ते तो आज बीजेपी के 40 भी नहीं, इनके तो 20 आने थे। जो भी इनके 40 आए उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना और इन्होंने आचार संहिता का खूब धज्जियाँ उड़ाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को INLD के उम्मीदवार को हराने के लिए एक गांव में आना पड़ा मलेका में। तो प्रधानमंत्री जी के जल से हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होते हैं। पहली बार हमारी पार्टी के विधायक को एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ आते हैं और बीजेपी का सिरसा जिला की 5 सीटों पर सूपड़ा साफ हो जाता है। मनोहर लाल जी आते हैं, सूपड़ा साफ है, तो इसका मतलब सिरसा जिले के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है। रही बात आप सरकार बनने की, सरकार बनाने में अहम रोल इंडिपेंडेंट का था और उसके बाद में जसपा पार्टी ने भी इनको समर्थन दिया है। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री है और जो भी पार्टियां थी सब ने ये कहा था, इनका मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, जिसमें कहा था एक तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, दूसरा यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार, INLD का उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट चौधरी रणजीत सिंह जी जो मेरे चाचा जी भी है और भाभी जी भी जीते हैं, मेरा भतीजा भी इलेक्शन जीता है, सब ने एक ही स्वर में कहा, एक मेरा भाई है डॉक्टर KV सिंह अंकल का बेटा, तो सब ने कहा था कि भी हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाएंगे, हम किसानों के मुद्दे उठाएंगे। तो अभी मैं इन पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करूं तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इन्होंने सब ने एक ही आवाज़ में कहा था कि आप हमें जिताइए, हम चिट्टे को ख़त्म करेंगे। और ये ही कांग्रेस के लोग कह रहे थे, यही जसपा के लोग कह रहे थे, यही BJP के लोग कह रहे थे, लेकिन अभी चिट्टा तो मेरे ख्याल में अभी तक चिट्टे के बारे में कोई सरकार ने, कैबिनेट की मीटिंग भी होली उसमें कोई ठोस परिणाम नहीं उठाए इन्होंने। दूसरा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, तीसरा सरकारी रेट पे नरमे का रेट है सरकारी 5400 रुपये, बिक कितना रहे 4800 है या 4700 है,
तो जमींदार तो फिर मार में आ गया। अभी भी मैं इस सरकार को एक महीने का टाइम देता हूं कि जो जो इन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे पूरे करें ये सरकार। अगर इन वायदों में इनको मैं बता तो मैं देता हूं नई सरकार को कि चिट्टे पर सख्त कानून लाया जाए जिससे तस्करों पर नकेल डले, स्वामीनाथन आयोग की आप रिपोर्ट लागू करो, और जो बुढ़ापा पेंशन थी जिसमें इसमें सरकार में इंडिपेंडेंट भी शामिल है और जेजेपी के भी शामिल है 10 MLA, तो इस सरकार ने कहा है भी हमारा सबका मिला के हम साझा घोषणा पत्र है उसको लागू करेंगे, तो उसमें बुढ़ापा पेंशन तो 5100 रुपये का है और बेरोजगारी भत्ता है और किसानों को पूरा भाव दिया जाएगा। जोने का है, प्राकृतिक आपदा है, अब की बार जहाँ जहाँ चावल लगाए हैं लोगों ने, अब की बार वहाँ 10-10 क्विंटल कम हुए हैं लोगों के, तो इनको एक तो किसानों को मुआवजा देना चाहिए। जब ये खुद ही कहते हैं भी किसानों की सरकार है, सबकी मिलीजुली सरकार है, सबका साथ सबका विकास है, तो इनको ये करना चाहिए, एक तो किसानों को नरमे का भाव देना चाहिए 5400 रुपये के हिसाब से, और ये चावल पर इनको किसानों को मुआवजा देना चाहिए, और चिट्टे खिलाफ इतना सख्त कानून बनाए जो तस्कर बेचता हुआ पकड़ा जाए उसके लिए ये प्रावधान होना चाहिए, कम से कम जैसे 20 साल तक इनकी जमानत ना हो तब जाके ये चिट्टा खत्म होगा। हाँ, इससे पहले खत्म नहीं होगा। एक कहना कुछ होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है, और मुश्किल किस लिए होता है कि जैसे हमारे जैसे लोग प्रयास करें तो हमारे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि ना मेंबर पंचायत हूँ मैं और ना मैं कोई MLA हूँ, तो मैंने तो ये मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के पीछे सभी पार्टियों ने, यहाँ जितने चौटाला गांव से 5 MLA बने, सब ने एक ही बात की थी, हम चिट्टा खत्म करेंगे। तो वो सरकार में बैठे लोग हैं, अपोजिशन में बैठे लोग हैं, वो जोर शोर से ये मुद्दा उठाए कि चिट्टा बंद होना चाहिए इस इलाके से, सिर्फ सिरसा की नहीं कह रहा, पूरे हरियाणा में चिट्टा बंद होना चाहिए। और आज जो किसानों पर मार पड़ रही है, सरकार बनने के बावजूद भी शाहबाद में करनाल में लोगों ने ट्रैफिक जाम किया, किसानों ने कहा भी हमारा झोना सही मूल्य पर सही दाम पर नहीं बिक रहा। अब सरसाई आज भी आवी है, पहले भी आवी थी, आज भी किसान लेके जाता है मंडी में अपनी फसल को, तो उसमें इमोस्चर बता के कि तभी एक बार रुको आप, 10-10 दिन तक लिफ्टिंग नहीं हो पा रही, किसान नरमे की डेयरियों पर बैठे हैं, तो अगर यूं ही बैठे रहेंगे तो फिर मैं सरकार को किसान सरकार कैसे कह दूंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ इनको एक महीने का टाइम देना चाहिए, जिसमें मैंने ये सोचा है कि सरकार कम से कम एक महीने का टाइम होना चाहिए ताकि हम इसका कोई विरोध ना करें, ये सरकार 5 साल चले और जो लोगों से इन्होंने वायदे किए थे वो वायदे ये पूरे करें, चाहे वो वायदा इन्होंने मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, जिस किसी भी वर्ग का, जैसे यूथ बेरोजगारों का, जो भी भाई देखे हैं वो पूरे करें सरकार। आपको लगता है सबसे बड़ा सवाल तो विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि जिस तरीके से JJP और INL इसके BJP का समझौता जो है, हालांकि कुछ निर्दलीय भी उसके अंदर शामिल है, आपको लगता है सर क्या ये सरकार कोई लॉन्ग रन पे चल पाएगी? ये समझौता कुछ दिनों का है, कुछ महीनों का है, लगता है 5 साल सरकार पूरा चल पाएगी? देखो, अगर सही मायने में सरकार लोग 5 साल के लिए बनाते हैं और कभी भी लोग नहीं चाहते कि बीच में इलेक्शन हो, अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करेगी और लोगों से जो वायदे किए हैं वो पूरे नहीं करेंगे तो अब की बार लोग गिरा देंगे सरकार। MLA इसको जरूरत ही नहीं है, लोगों में विरोध हो जाएगा, भारी विरोध हो जाएगा। इस वजह से मेरा तो अभी यही मानना है कि एक महीना इनको टाइम देना चाहिए, आलोचना की बजाय अगर ये हर विधानसभा क्षेत्र से, चाहे वो किसी भी पार्टी का है और चाहे कहीं का कोई नुमाइंदा है, वो सहयोग मांगेंगे तो हम सहयोग देंगे। हाँ, एक सवाल है सर, इस बार INLD सिर्फ एक ही विधायक अपना विधानसभा में भेज पाई है,
तो इस बार INLD क्या मुख्य भूमिका निभाएगी, क्या एक एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तमाम उन मुद्दों को लेकर आप याद दिलवाएंगे सरकार? जो ये मुद्दे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट होगी, चिट्टे के खिलाफ होगा, किसानों का ट्रैक्टर का चलान बंद होना चाहिए, अगर ये मुद्दे अगर एक महीने में सरकार ने अपने स्तर पर घोषणा नहीं की तो हम सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल किसी हालत में ही ट्रैक्टर का चलान नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, एक सवाल है, इस बात बड़ा ऐतिहासिक चीज़ एक बात जो सामने आई इस चुनाव में, चौटाला गांव से 5 विधायक इस बार हरियाणा की विधानसभा में पहुंचे हैं, तो सीधे तौर पर इसको देखा जा रहा है कि अगर 5 हरियाणा में विधायक विधानसभा में गए हैं और वो लोग सब लोग चौटाला से हैं, तो क्या सिरसा इस बार एक ड्रीम सिटी का एक सपना ले सकता है कि यहाँ पर काम पूरे होंगे और 5 लोग जिसमें निर्दलीय भी शामिल हैं, JJP भी शामिल है, INLD भी शामिल है, आपको लगता है? और सौभाग्य की बात सर ये भी है कि इन 5 विधायकों में सभी लोग आपके परिवार से हैं। मैं मानता हूँ है ही परिवार के लोग हैं, जिसमें INLD सरकार में शामिल नहीं है। हम सरकार के ना, हमने तो ये कहा है कि सरकार अगर विकास के कार्य करे और जनता के हित में काम करे, हमारा तो उसको समर्थन है। जो जनहित के काम नहीं करेगी तो हम विधानसभा के अंदर भी, हमारे अभय सिंह चौटाला विधायक है, वो सरकार को मजबूर करेंगे भी आप लोगों के काम करो और सड़कों पर हम होंगे, तो इनको मजबूर कर देंगे हम कि किसानों की ये बात माने, नहीं मानेंगे तो हम इनको मनवाएंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक ही चीज कही है, अभी एक महीना है टाइम है, अगर एक महीने में ये इन चीजों पर जो मैंने बताई है, अगर इस पर सरकार खरा नहीं उतरेगी तो सबसे पहले मैं, चाहे वो विधायक से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का विरोध करना पड़ा तो रवि चौटाला पहला आदमी होगा मैं इनका विरोध करूंगा। एक सवाल बहुत अहम है, आपको लगता है कि JJP पार्टी अपने कॉमन मिनिमम कार्यक्रम के तहत वो BJP के साथ समझौता किया, सरकार बनी है, आपको लगता है कि दुष्यंत की विचारधारा, वो कहते हैं कि ताऊ देवलाल की नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाना है उसी तर्ज पर जिस तरह से ताऊ जी काम करते थे उसी तरह से काम करना है, आपको लगता है BJP को ये सारी बातें पसंद आएगी? क्या BJP चाहेगी कि ताऊ की नीतियों का अनुसरण हरियाणा की जनता में होना चाहिए? अगर इन्होंने चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर नहीं चलने का काम किया तो जनता इनको किसी को भी अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे लोग। लेकिन मैं चाहता हूँ भी ये कामयाब हो और ये कुछ करके दिखाए नया। मिनिमम जो इनका साझा घोषणा पत्र है जिसमें 5100 रुपये तो इन्होंने बुढ़ापा पेंशन की कह रखी है वो पूरी करे और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे और उसके बाद में चिट्टा नशा है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएं और ट्रैक्टरों के चलान ना किए जाए, ये 4 मांगे मान ले तो अपने आप डंका बजेगा सरकार का, हम भी इनका साथ देंगे। अगर 4 कामों में ये 4 काम ही नहीं करेंगे तो फिर तो इनका विरोध आम पब्लिक करेगी, पब्लिक में हम भी लोग हैं। अगर ये चाहे 5 में ले, इनका सबसे बड़ा, मैं तो एक मांग इनसे 5ों से मैं निजी तौर पर मिलके भी करूंगा क्योंकि परिवार के लोग हैं, मुझे मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं है इनसे, सारे सबसे मेरा प्यार है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन सामाजिक तौर पर हम इकट्ठे होते हैं, बहुत बार मिलते भी हैं, तो मैं तो इनसे यही कहूँगा 5ों से, आप सबसे पहले डबवाड़ी को जिला बनाइए ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने और सरसा जिला एजुकेशन के मामले में, इरिगेशन के मामले में, हर मामले में पिछड़ा हुआ है। नौकरियों में 10 साल हुड्डा सरकार ने भेदभाव किया, 5 साल जब BJP की सरकार रही उस टाइम भेदभाव हुआ, हमारे 15 साल जो नौजवान थे जो रोजगार के काबिल थे उन बच्चों का पीछे से लेकर आज तक का ये समेत ब्याज तक का पाई पाई का हिसाब दें और जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरियां दे, अगर नौकरी ना दे तो कम से कम हर स्टूडेंट को जो BA पास है उसको 15,000 रुपये महीने का प्रावधान करे, उसके बेरोजगारी भत्ता दे। ये इनके मैनिफेस्टो में भी है और इन्होंने कहा था भी, हम कहते हैं
और करते भी है। अगर ये मुद्दा इन्होंने नहीं किया तो एक बहुत बड़ा छलावा होगा जो बेरोजगार नौजवान साथी है। तो मेरे इलाके की जो मेन समस्या है नहरी पानी की है, बिजली की है, किसानों की है, और डबवाली को प्रथम मुद्दा पांच विधायक अगर एक स्वर में आवाज उठाए तो डबवाली जिला बन सकता है, और सिरसा इलाके में भी पूरा काम करना चाहिए। मैं न उधर गया था, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रचार किया था पार्टी के लिए, वहाँ के लोग कह रहे हैं हमारे पास पीने का पानी नहीं आ रहा था। मैं एक गांव में गया, काशी का वास है गांव, तो बोले जी 15 साल में अभी तक हमारे पास पीने का पानी नहीं है। वो लोग डिग्गियों में दूसरे गांव से अपने उसमें टैंकर में डाल के डलवाते हैं। तो जितने भी ये गांव है सिरसा जिला के, मैं तो कहता हूँ पूरे हरियाणा के, पूरे हरियाणा में जहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम है उस पानी को पीने का पानी, मीठा पानी देना चाहिए लोगों को, और जहाँ नहरों की ज़रूरत है वहाँ नहर निकालें, जो पुरानी नहर है उनका मेंटेनेंस किया जाए ताकि किसान को पानी मिल सके, वो अपनी फसल को उपजाऊ बना सके। एक इनका दोनों का यही था एजेंडा, जेजेपी का भी, हम सबसे पहले डार्क जोन ख़त्म करेंगे। डार्क जोन में हमारा ये रानिया सिरसा रानी है, जहाँ किसी किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल रहा। जिन किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं, पहले सरकार वो आदमी अपने ट्यूबवेल का कनेक्शन ट्रांसफ़र करके, जहाँ खारा पानी हो गया तो वो अब वहाँ से हटा के दूसरी जगह ट्यूबवेल लगा सकता है, लेकिन उसकी भी कहते हैं परमिशन लो। किसान को इन्होंने ऐसे चक्कर में डाल रखा है कि किसान को कम से कम आज़ादी तो होनी चाहिए, वो ट्यूबवेल अपनी मर्जी है वहाँ लगाए, उसको तो पानी की ज़रूरत है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि उससे भी ये छुटकारा दिलाए। सर एक सवाल है, इस बार निर्दलीय विधायक के तौर पर सिरसा से गोपाल कांडा, वक्त था कि जब उनको सिरसा से सांसद चार्टर्ड प्लान में बैठाकर फटाफट उनको बीजेपी ले गए और उन्होंने अपना समर्थन दिया। अब बीजेपी समर्थन लेना चाहती नहीं है, कांडा साहब धक्के से समर्थन दे रहे हैं, आपको लगता है कि सिरसा के अंदर कैसी समस्या है? कांडा के साथ तो वो ही है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये कहावत सही फिट उस पर बैठती है। मैं तो सिरसा की जनता को ये मेरी अपील है और पूरे हरियाणा के लोगों से अपील है कि ऐसे क्रिमिनल आदमी को वोट देने ही नहीं चाहिए। और वो बीजेपी सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी वजह से तो बेटियां मरी है। मैं एक निर्णय अच्छा कहता हूँ कि इन्होंने इसका समर्थन नहीं लिया और ये पीछे पीछे घूम रहे, तो ऐसे लोगों को भविष्य में जनता वोट ना दे। अगर वहाँ हमारा समर्थन से उम्मीदवार लड़ रहा था, उस नौजवान लड़के को सरसा की जनता जिता देती तो सरसा शहर के तो काम होते। ये गोपाल कांडा काय का विधायक बन गया। अब की बार जिन कैंडिडेटों ने शराब बंटी है, पैसे बंटे हैं, मैं कहता हूँ उनका बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। लोकतंत्र में क्या है, आज दारू बांट रहे हैं, शराब दारू बांट दी, पैसे बांट रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने हराम की कमाई खा रखी है, जभी तो बांट रहे हैं। तो मैं तो जनता से अपील करूँगा कि अपना दीन ईमान ना बेचे, कोई किसी लालच में ना बिके। एक बार आदमी को 5 साल में अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, तो भविष्य में आगे जब भी कोई मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक का इलेक्शन हो, अगर पार्टियां या इंडिपेंडेंट लोग ऐसे क्रिमिनल लोग इलेक्शन लड़े तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करो, राजनीतिक तौर पर बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन कानून ऐसे दुर्भाग्य से ऐसे लोग जीत जाते हैं पैसे के बल पे, आके फिर वो अपना समर्थन देते हैं, समर्थन के बदले वो फिर मोटी रकम भी लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। आज सिरसा जिले में मैं कहता हूँ कि एक इतिहास भी बन गया कि एक गांव से 5 एमएलए बन गए, और एक बदनुमा दाग भी लग गया कि एक ऐसा विधायक जो समर्थन दे और बीजेपी उसका समर्थन ले नहीं रही थी। तो ऐसे लोगों से बचे सरकार, क्या आम आदमी को भी बचना चाहिए।
एक सर अहम सवाल कि इस बार डबवाली बड़ा भाग्यशाली रहा कि जिसके उस गांव से और आदरणीय ताऊ जी के परिवार के आपके परिवार से 5 MLA दे दिए, मगर डबवाली का दुर्भाग्य है कि विपक्ष में फिर भी रह गया। आपको लगता है ऊपर JJP BJP है, यहाँ कांग्रेस है, हमारी नगर परिषद ऑलरेडी भंग हो चुकी है, वो भी अभी तक प्रशासनिक तौर पर चल रही है। आपको लगता है डबवाली में इस बार कोई डेवलपमेंट के मुद्दे छा सकते हैं, कोई काम हो सकता है? ये 500 जीते हैं, ये जनता का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। और ये 500 जीते हैं, ताऊ देवीलाल परिवार से तो जीत गए, लेकिन ताऊ वाली नीतियां तो लागू करें। कितने एक दिन ताऊ के नाम से ये चलते रहेगा? आखिर चौधरी देवीलाल तो सबके सांझे हैं, चाहे वो किसी पार्टी व्यक्ति विशेष जो महान पुरुष होता है जिसकी पार्लियामेंट में फोटो लग जाती है, वो किसकी लगती है? जड़े जो महान योद्धा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो, जैसे उद्धम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार पटेल जैसे, जो आज उनकी जयंती है, ऐसे लोगों के स्टैचू लगे हैं, उन्हीं में एक चौधरी देवीलाल जी का लगा है और उसके ऊपर लिखा गया है कि ये एक गांव से उठ के आए थे और संघर्ष करके मुख्यमंत्री बने 2 बार और उसके बाद में प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था। तो इनको भी चौधरी देवीलाल जी की तरह करना चाहिए। अगर किसानों की मांग, ये जो मांगे पूरी ना हो, तो इनको भी ये पद लोभ लाल छोड़ देना चाहिए। मैं तो आज मेंबर पंचायत भी नहीं हूँ, अगर मेरे को लोग इस लायक समझे तो मैं तो पहले जो वायदे करूँगा लोगों से। अब मैंने प्रोग्राम बनाए हैं, मैं जनता में, मैंने जो पहले कहा था 6 तारीख की मीटिंग बुलाई थी मैंने घर में, मैंने कहा भाई 2024 मिशन है, उस मिशन में हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे। मैं जितने भी जो मेरे से उम्मीद रखते हैं, मेरे दोस्त मित्र या जो भी बुजुर्ग हैं मेरे, मैं हर घर पे जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर मोहल्ले में जाऊंगा, हर शहर में जाऊंगा। तो सबसे पहले इनको डबवाली शहर को इतना बढ़िया सुंदर बना देना चाहिए कि पूरे हरियाणा में एक क्लास की सिटी होनी चाहिए। डबवाली शहर का इतना काम करें और इतना काम करना चाहिए इनको कि डबवाली के लोगों ने इनको ताज दिया है। आप कैसे कह सकते हो कि डबवाली विपक्ष में है? तो परिवार का ही वो MLA बने हैं, तो वो क्या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाके काम नहीं करवा सकता? MLA एक कोई छोटी चीज थोड़ी है, 90 का हाउस है, वहाँ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उसके पास जाके समस्या है उनको बता सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को बता सकते हैं। एक MLA भी एक मंत्री की तरह है, अगर वो चाहे सच्चे मन से तो खूब काम हो सकते हैं। हम लोग प्रदर्शन जलसा जुलूस करके लोगों के काम करवाते हैं ना, तो इनको तो हाउस में ही बोलना है, 90 का हाउस है, वहाँ ये बैठे हैं, तो इनको तो बिल्कुल जोर शोर से आवाज़ उठानी चाहिए। ये परिवार में ये, हमारे परिवार में ये है, कैसे कह सकते हो आप अपोजिशन में? बिल्कुल नहीं है, वो तो एक सिंबल अलग से जीत गया तो क्या है, पारिवारिक तो आना जाना है, जाके बताए क्या क्या समस्या है। सभी को अपना मास्टर प्लान लेके चलना चाहिए जिसमें कह दे सिरसा जिले इसको डबवाली को जिला बनाए, नशा मुक्त किया जाए, किसानों की समस्या है उनका समाधान किया जाए, जहाँ बिजली पानी नहीं है वहाँ पानी का प्रबंध किया जाए, जो बेरोजगार स्टूडेंट है उनको नौकरियाँ दी जाए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो उनको जो ओवरेज हो गए या जो ओवरेज नहीं हो रहे किसी कारण उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, तो उनको बेरोजगारी बता दे। इनको तो लोगों ने रोजगार दे दिया सबको, पंचों को, उनको तो, इनको तो पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिलेगी। अगर इनको तनख्वाह मिलेगी तो ये नौजवान बच्चे, इनको भी तो देना कुछ, तब मानूंगा मैं। हाँ, अब तो मैं इनको पंचों को बड़ी भारी मुबारकबाद देता हूँ और ये कामयाब हो और जनता की जो मांग है उस पर ये खरा उतरे, जिसमें से मैं अभय सिंह की तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इलाहाबाद में अभय सिंह से पूछ के कहा मैं इसलिए जाऊँगा गांव में वोट मांगने के लिए कि आप जो चिट्टा नशा है उससे पीड़ित बच्चे हैं जो किसी कारणवश अपना इलाज नहीं करवा पाते, तो उनका पार्टी की तरफ से खर्चा वहन होगा, ये हमारे घोषणा पत्र में है। और आज भी कोई छोड़ना चाहे तो हमारे से संपर्क करें, हम उस बच्चे का नशा छुड़वाएंगे।
जितने पैसे लगे हम पार्टी की तरफ से लगाएंगे। एक हमने कहा ट्रैक्टर के चलान होंगे तो किसान का गड्ढा है उसको गड्ढा घोषित करे। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मैं तब मानूंगा जब सरकार बनी है, सब कुछ सरकार में शामिल है, पूरी भागीदारी है, उसमें सबसे पहला काम ये करो कलम से कैबिनेट की मीटिंग में भी किसान का गड्ढा ट्रैक्टर चौधरी देवीलाल जी ने घोषित किया उसी रूप में उसको लागू करे, जो कहा है वो करके दिखाए। अभी तो मेरी इनसे मुबारकबाद देनी बाकी है, अभी तो मैं 3 एमएलए से मेरी बात हुई है, दो रह गए, दोनों से बात करूंगा मैं और फिर इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिलूंगा, इनको डबवाली की समस्या भी बताऊंगा, मेरे गांव की समस्या बताऊंगा, हमारे हल्के में गांव है वहाँ की समस्या बताऊंगा, पूरे जिले की समस्या बताऊंगा और हरियाणा को भी उनको अपना मान के चलना चाहिए। चौधरी देवीलाल जो मुख्यमंत्री बने थे वो एक गांव से नहीं मानकर उन्होंने पूरे हरियाणा को अपना माना, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने और त्याग देके उप प्रधानमंत्री का पद उनको दिया गया उसके बाद उन्होंने पूरी देश की जनता का दिल जीता था, तो उसी की नीतियों पर चल के इन लोगों को वो काम करना चाहिए। चौधरी देवीलाल जी कितने टाइम सत्ता में रहे, उन्होंने अपने जीवन में 6.5 साल ही सत्ता में रहे हैं और सारी उम्र उन्होंने विपक्ष में रह के काम किया, लोग काम किए, तो आदमी विपक्ष में रह के बहुत कुछ कर सकता है। फॉर बेस्ट और थैंक यू सर, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। इतने मेरे साथ रवि सिंह जी चौटाला, हमेशा बेबाक तरीके से बात करते हैं बट इट्स गुड पॉलिटिक्स। उन्होंने इस गठबंधन की सरकार का भी स्वागत किया है और वक्त बिल्कुल हमें सबको वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, अभी इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया या फिर विरोध सरकार का नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने 1 महीने का वक्त सरकार के लिए तय किया है और वो हर एक पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा, एक मुझे लगता है बहुत बड़ा सिद्धांत, ये पॉलिटिक्स का सिद्धांत कहता है। और अब देखते हैं सरकार इस 1 महीने में, आने वाले 6 महीनों में किस तरीके के काम करती हैं। हम सब यही कामना करते हैं कि हरियाणा की सरकार हरियाणा की जनता के लिए, हितों की रक्षा के लिए काम करे और जो किसान के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे किसानी की बात है या डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनमें हम सब की जो हमने सरकार के नुमाइंदे जो भेजे हैं विधानसभा में वो सब लोग काम करें। बट अभी इंतज़ार वक्त का हमें, और वक्त बताएगा कि ये सरकार इस बार किस तरीके के काम हरियाणा में करती है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।